मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके। आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो खत्म हुआ था वो संयोजन अभिक्रिया में खत्म हुआ था। थोड़ा सा याद करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में हम लोग क्या बात करे थे। संयोजन अभिक्रिया में हम लोग ये बात करे थे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोलिए, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, अब हम लोग का जैसे संयोजन अभिक्रिया खत्म हुआ हम अपने दूसरे अभिक्रिया पे आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बच्चा बात यह है कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है एक तरह से अगर आप कह सकते हैं, अगर यह कहना चाहिए तो अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के उल्टी होती है। मतलब यहां पे एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। बोलिए, आई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए। आलस बहुत हो चुका, दिन भर सोते रहते हैं, हम भी सोते हैं भैया, आप भी सोइए। सतीश तो दिन भर सोता है, शशांक चोर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बात, अब हम लोग बात यहाँ पे ये करेंगे कि अपघटन अभिक्रिया का सबसे पहले नोट बनाना शुरू करेंगे। कॉपी पेन बच्चा लोग उठा लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारक के प्रभाव के कारण एक अभिकारक दो या दो से अधिक अव्यवी तत्व। देखिए, यहां पे अव्यवी तत्व जो है उसको हम बोल सकते हैं उत्पाद में अपघटित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन नॉर्मल सी है, याद भी कर सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, बट डेफिनेशन से ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारा उदाहरण। तो हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि हम इसके उदाहरण जरूर से ध्यान रखें। अब देखिए, यहां पर हमने एक छोटी सी बात करी है, हमने यहां पर बात करी है बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या होते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए, कोई भी अभिक्रिया तब तक नहीं चालू होगी जब तक उसको ऊपर से कोई ऊर्जा ना दिया जाए। और यहां पे बाह्य कारक तीन तरह के हो सकते हैं, ऊष्मी, प्रकाश और विद्युत। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश भी एक तरह की ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है और विद्युत भी एक तरह की ऊर्जा। मतलब जब भी हमारा अभिक्रिया चालू होगा या अपघटन अभिक्रिया चालू होगा तो उसको एक बाहरी कारक चाहिए। हो सकता है वो प्रकाश हो सकता है वो ऊष्मा हो सकता है वो विद्युत हो। अब देखिए, ध्यान दीजिए, उन्हीं जो भी बाह्य कारक मिलेगा उसी के कारण हमारे जो अभिघटन अभिक्रिया है उसको तीन प्रकार से हमने बांट दिया है, ऊष्मी अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। मतलब अगर ऊष्मा दिए, मतलब जैसे ही हमने हमने क्या लिया, मान लेते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड लिए, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट CO3 है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिए और जैसे हमने उसको ऊष्मा दिया तो किसमें किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जैसे ही ऐसा हुआ ये तुरंत क्या हो जाएगा, आपस में टूट जाएंगे। अगर ऊष्मा ना देते तो ये अभिक्रिया होती ही नहीं। ऊष्मा जैसे ही दिए ये तुरंत क्या हो गया, दो उत्पाद में टूट गया। तो वही चीज हुआ कि एक अभिकारक टूटा और दो उत्पाद बनाया। इसको देखते हैं AgCl को जैसे हमने प्रकाश दिया ये Ag और Cl में टूट गया। किसके कारण टूटा, प्रकाश के कारण टूटा, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, प्रकाश अपघटन। H2O या जिसको हम क्या बोलते हैं, जल। देखिए, जल जो होता है, जल नॉर्मली हमेशा जुड़ा ही रहता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे हमने इसको विद्युत दिया, हमने क्या दे दिया, विद्युत दे दिया, विद्युत देने के ही इसमें हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। बोलो, आई बात समझ में? तो ये जो था हमारा, ये हमारा था अपघटन अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि दो ही उत्पाद हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी उत्पाद हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिकारक हमेशा कितने रहेंगे, अभिकारक केवल और केवल हमारे एक रहेंगे। क्लियर बात? अब हम लोग अपने तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले वही कष्ट आपको थोड़ा सा देंगे, पेन उठाइए, थोड़ा सा लिख डालिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेती है,
ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमारा जो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक होता है उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले इसको जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताना शुरू करें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए अब है क्या, यहां पर यह समझिए कि ये जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है कि एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। आप लोग इसको नोट कर लिए, तो हम इसको इरेज करके थोड़ा सा यूज करना चाहिएगा। चलिए उदाहरण लेते हैं, पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ये है, Fe हो क्या रहा है। जब हम पहले की बात करें, पहले की बात मतलब ये जो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले थे उनको हम अभिकारक बोलते हैं और जो बाद में मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। याद रखिएगा ये उत्पाद है और ये क्या है, अभिकारक। ठीक है, जब हम अभिकारक की तरफ देखें तो हमारा जो Fe था, Fe क्या होता है, लोहा। जो लोहा था या आयरन था या Fe था वो अकेला था और ये कॉपर के साथ कौन था, Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट था, मतलब कॉपर के संग एक कॉपर सल्फेट मिलकर एक यौगिक बना रहे थे और हमारा जो आयरन था वो अकेला था तत्व के रूप में था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हुई आयरन जो था या लोहा जो था या जो Fe जो था वो Cu के स्थान पे आ गया और Cu को उसकी जगह क्या कर दिया, धकेल के बाहर कर दिया। अब आप एक बात सोचिए, जैसे मान लीजिए एक कुर्सी है, ठीक है, उस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, आप हमसे कमजोर है तो क्या आप हमको हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे। आप हमसे ताकतवर है, आप कट्टा लेके आ गए भैया, हम डर गए, कट्टा लेके आ गए भाई खतरनाक लोग, डंडा लेके आ गए, चार पांच लोग आ गए, तो हम क्या कहेंगे, तो डर के क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहां पर क्या है, देखिए वही चीज हमने आपको लिखवाया था कि अधिक क्रियाशील तत्व, याद रखिएगा ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देगा, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व किसके स्थान ले लेगा, कम क्रियाशील तत्व। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, कि सर हमको ये कैसे पता लगेगा कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, अभी हमारे जो थर्ड चैप्टर होगा धातु और अधातु, इस चीज का आंसर आपको थर्ड चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्रियाशीलता सारणी आपको पढ़ाई जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा तत्व तो ज्यादा क्रियाशील होता है और कौन सा तत्व तो कम क्रियाशील होता है। तो उस टॉपिक को यहां पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो अभी थर्ड चैप्टर में बहुत कायदे से डिस्कस होना है, तो उस चीज को हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। बट आप अभी बस ये ध्यान दीजिए कि जो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व के स्थान पे आकर उसके संग जो भी रहता है उसके संग मिलकर यौगिक बना लेता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब आप कहेंगे सर तो एकल विस्थापन अभिक्रिया यह है तो उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया आप लोग इसको देख लिए हैं, यहां पे केवल एक यौगिक इधर उधर होता है। अब हम बात करते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया की, इसको नोट कर लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों से परस्पर विनियम द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं। नोट कर लीजिए, चलिए अब इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। ये जो था पहले तो ये थी, ये हमारा क्या है, एज यूजुअल ये हमारा अभिकारक है। ध्यान दीजिए एरो से आप समझ सकते हैं कि एरो को पहले जो भी रहेगा वो हमारा अभिकारक रहेगा और जो एरो के बाद आएगा
वो हमारा उत्पाद होगा। ध्यान दीजिए ये एरो ही दिखाता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ऐसा तो है कि आप कुछ बोलेंगे तुरंत आप उसको जाएंगे घर में दौड़ के उठाएंगे मिला के बना देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, एरो से ही हमको पता लगेगा कि यहाँ पे हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, शुरुआत में क्या था, Na2SO4 और BaCl2, बट बाद में क्या है अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एक अलग चीज था, ये एक अलग चीज था, ये क्या था Na+ के रूप में था, ये क्या था SO4- के रूप में था, ये किस रूप में था Ba++ और ये किस रूप में था Cl-। ठीक है, हुआ क्या, जो सोडियम था सोडियम अपनी जगह पर Ba की जगह पर चला गया और Ba था, Ba मतलब बैरियम और Na मतलब सोडियम, तो बैरियम जो था वो सोडियम की जगह ले लिया और सोडियम क्या किया, सोडियम बैरियम की जगह। आप ध्यान से देखिए यहां पे सोडियम संग SO4 था, यहां पे बैरियम संग SO4 है, यहां पे क्या था बैरियम संग क्लोरीन था, यहां पे सोडियम संग क्लोरीन है, बात समझ में। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक वाले में क्या हो रहा था, एक तक तो जाकर दूसरे को उसकी जगह से निकाल दिया था, मतलब वो बेचारा अकेला हो गया, बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे कोई भी तत्व अकेला नहीं हो रहा, यहां पे स्थान का अदला बदली हो रही है, मतलब तुम मेरे स्थान पे चले जाओ और मैं तुम्हारे स्थान पे चलाओ, बोलो बात आई समझ में। तो इसी को यहां पे दो चीजें एक दूसरे के साथ अपनी जगह बदल रही है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, और यहां पर केवल एक तत्व जो था दूसरे से स्थान बदल रहा था, इसे हम क्या बोलते थे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, बोलो आई बात समझ में। बहुत छोटी चीजें हैं कि अगर एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटाकर उसका स्थान ले ले तो एकल विस्थापन, अगर दो तत्व आपस में एक दूसरे से जगह की अदला बदली करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये उदाहरण सहित, उदाहरण सहित आप इसको आराम से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहीं पे अपने चौथे रासायनिक अभिक्रिया के संग आ गए हैं, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी। अब देखिए नाम में ही ऊष्मा है, ऊष्मा मतलब ताप गर्मी। ठीक है, तो सीधे से यहां पे जो अब हम अभिक्रिया की बात करने वाले हैं वो है ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी। ऊष्मा परिवर्तन के अभिक्रिया का परिभाषा नोट कर लेते हैं, ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो यहां पर मतलब हमने एक जो हमारा ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है इसमें किसके परिवर्तन के कारण, इनको दो प्रकार से बांटा गया है, ऊष्मा परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, मतलब दो चीजें मिली राम उसके अंदर से ऊष्मा निकल आया। ठीक है, जैसे यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन मिले, जब मिले तब उतनी ऊष्मा नहीं थी, लेकिन जैसे वो मिल गए उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुआ, वहां पे ऊष्मा क्या होने लगी, बढ़ने लग गई। क्लियर है बात, ऊष्मा शोषी क्या होता है, ऊष्मा शोषी जो होता है ऊष्मा क्षेपी का एकदम विपरीत होता है, इसमें क्या था ऊष्मा निकल रही थी, इसमें ऊष्मा क्या होगी अवशोषित होगी, मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वे रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। बोलो आई बात समझ में, दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं, दोनों का डेफिनेशन नोट कर लिए होंगे, उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण ये है इसका उदाहरण ये है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी उसमें जो भी ऊष्मा निकल रही है या जो भी ऊष्मा खींची जा रही है उसको हम अभिक्रिया के संग दिखाएंगे जरूर, जैसे आप उसको अंडरलाइन कर दे जहां जहां ऊष्मा लिखी गई है, आपको दिख रहा है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में हमेशा ऊष्मा बाद में निकलेगी, कभी पहले नहीं, क्योंकि जब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक ये ऊष्मा नहीं देगी। बोलो आई बात समझ में, मतलब जब ऊष्मा इन दोनों मिलेंगे तभी इनमें से ऊष्मा निकलेगी, लेकिन ऊष्मा शोषी जो है वो एकदम विपरीत है, क्या है वो विपरीत है, उसमें क्या है, उसमें हम पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, बस अंतर यह है कि पहले अगर लिखेंगे प्लस करके लिखेंगे बाद में लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे, मतलब इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू हुई हो तभी इसके अंदर ऊष्मा अवशोषित हो गई हो और तब जाके हमारा उत्पाद बना हो, या हो सकता है जब अभिक्रिया चालू हुई हो होने के बाद उसमें उतनी ऊष्मा खींच ली हो। देखिए ये दो के दोनों जो हमने उदाहरण लिखे हैं ये और ये दो के दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं है, ये भी वही है और ये भी वही है, बस लिखने का अंतर है। बोलो आई बात समझ में, तो ये जो हमारी अभिक्रिया थी इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऊष्मा या तो खींचा जा रहा था या निकाला जा रहा था, इसके पहले जो थे वो सब में थोड़ा अंतर था, सबसे पहला वाला हमारा क्या था, सबसे पहला वाला संयोजन था
दो अभिकारक जल्दी जल्दी डिवाइस करते हैं, दो अभिकारक क्या हुए थे, दो अभिकारक आपस में जुड़ रहे थे, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ रहे थे और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, अगला था हमारा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि कोई बाहरी कारक, बाहरी कारक तीन थे, कौन कौन से, विद्युत, ऊष्मा, प्रकाश, कोई बाहरी कारक जो था उनके कारण वो एक उत्पाद सॉरी एक अभिकारक क्या हो रहा था, एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक क्या बना रहे थे, दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे थे। बोलो आई बात समझ में। उसके बाद अगला हमारा क्या था, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो रहा था कि एक तत्व जो था वो दूसरे तत्व के स्थान पर जा रहा था, मतलब स्थान का आदान प्रदान हो रहा था। मतलब एक बार क्या हो रहा था कि एक का स्थान ले लिया और उसको उस जगह से बाहर कर दिया, ऐसे विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया बोला था। और एक था उभय अपघटन अभिक्रिया जिसमें क्या था, दो के दोनों तत्व तो आपस में एक दूसरे की जगह का अदला बदली कर रहे थे। अब हम जो अपना अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे वो है क्या, ऑक्सीकरण और अपचय। तो अब हम लोग अपने इसी चैप्टर के पांचवी अभिक्रिया के संग आ गए हैं और ध्यान दीजिए ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 के बाद जब आप लोग फॉरवर्ड जाएंगे, मतलब अगर साइंस ग्रुप लेंगे, मैक्सिमम हम लोग साइंस ही ग्रुप लेते हैं, तो जब भी साइंस ग्रुप लेंगे तो फिर से अभी ऑक्सीकरण और अपचयन आएगा। 11th में एक अलग सा चैप्टर है पूरा ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, तो ये काफी बड़ा टॉपिक होगा बट यहाँ पे हम उसको बहुत ब्रीफली, मतलब बहुत छोटे से चीजों में समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकरण का जो विपरीत होता है वो अपचयन होता है। मतलब अब पढ़ना शुरू करते हैं किसी पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों का बीच में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन के बीच में अंतर पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके हमने अलग से एक बीच में डिफरेंस वाला, मतलब जब कोई चीज का अंतर कहते हैं, कोई चीज में अंतर ज्ञात कीजिए तो किस तरह होना है, कुछ इसी तरह हम लोग लिखेंगे, बीच में लाइन खींच देंगे, एक साइड अगर ऑक्सीकरण पूछा तो ऑक्सीकरण, दूसरी साइड अपचयन पूछा तो अपचयन। मतलब जिन भी चीज में अंतर करने के लिए बोला जाएगा हम लोग इसी तरह से बीच में एक लाइन खींचेंगे और दोनों तरफ उसका टॉपिक डाल के उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ध्यान दीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया तब होती है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या उसका योग होता है। कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन, क्योंकि नाम ही उस तरह है ऑक्सीकरण। ठीक है, और देखिए ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन, तो अपचयन का होता है, अब इसमें ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है बट इस पॉइंट को पढ़िए, किसी पदार्थ से O2 ऑक्सीजन निकलता है इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। मतलब ऑक्सीकरण का हमेशा उल्टा क्या होगा, अपचयन। इस अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकला तो अपचयन। क्लियर है बात। दूसरा टॉपिक, अब दूसरे को थोड़ा छोड़ेंगे, सबसे पहले तीसरा देख लेंगे, किसी पदार्थ से H2 पृथक होता है या निकलता है। ठीक है, मतलब अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल गया तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे, और अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ गया, अब देखिए इसका उल्टा हमेशा होता है, तो किसी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। बोलो आई बात समझ में। मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीकरण। बोलो आई बात समझ में। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, जब भी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन किसी चीज से जुड़ेगा, ध्यान दीजिए ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसमें तृण विद्युत, देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो आयन होते हैं वो दो रूप में होते हैं, या तो प्लस रूप में पाए जाएंगे या माइनस रूप में पाए जाएंगे। अब किसी भी चीज में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन के हमारे ऊपर तृण आवेश होता है, और जब भी ऑक्सीजन किसी से जुड़ेगा तो उनका जो तृण विद्युतता होगा उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में माइनस होता है और हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला मतलब तृण जो धनात्मकता है वो कम होगी, तब भी क्या हो जाएगा, तृण विद्युतता बढ़ जाएगी। इसको एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए, जो हमारे आयन होते हैं वो दो रूप में पाए जाते हैं, आयन ना कि तत्व। हाइड्रोजन मान लेते, एग्जांपल के हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो आयन या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। ठीक है, अब इसी चीज में केवल ऑक्सीजन जुड़ा, केवल कौन जुड़ा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होगा वो हमेशा आयनिक रूप में जुड़ेगा, आयनिक रूप में जुड़ेगा तो उसके ऊपर कौन सा आवेश होगा, माइनस, तो उस पदार्थ का जो तृण विद्युतता है वो क्या हो जाएगी,
बढ़ जाए, तो वही है ना, किसी पदार्थ के तरल विद्युतता अवयव में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, बच्चा क्या आएगा, हाइड्रोजन को धन आवेश होता है, तो हाइड्रोजन किसी चीज में जुड़ेगा तो उसमें क्या जाएगा, धन आवेश। तो क्या लिखा है, किसी पदार्थ के धन विद्युतता अनुपात में वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा तो ऋण, हाइड्रोजन जुड़ा तो धन। अब इसका विपरीत की बात करते हैं, मान लेते हैं हम इसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन निकला तो धन निकल गया, और धन निकल गया तो ऋण अपने आप क्या हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज किसी भी पदार्थ तत्व की बात करें, जैसे हम ले लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17, मतलब ये हमेशा कैसा रहेगा, उदासीन होगा, कोई भी यौगिक होगा वो हमेशा किस तरह रहेगा, उदासीन होगा। उदासीन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशी होता है, प्रोटॉन धन आवेशी होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। लेकिन अब यहां पे ऊपर से ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आए तो ऑक्सीजन के ऊपर तो ऋण आवेश है, और ऋण आवेश है तो उस तत्व में क्या बढ़ गया, ऋण विद्युतता बढ़ गई। हाइड्रोजन आए तो क्या बढ़ गया, धन विद्युत बढ़ जाएगा। बोलो आई बात समझ में, तो इनके ऊपर जो आवेश होगा उन तत्वों में वही चीज बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखिए जल्दी से इसको इसी तरह नोट करिएगा, इसको और कोई तरीके से मत नोट करिएगा, इसी तरह बकायदा बीच में लाइन बनाकर नोट करिएगा। उदाहरण देख लीजिए, ठीक, देखिए यहां पे हो क्या रहा है, इसमें अगर हम ध्यान देते हैं यहां पे ऑक्सीजन है कि नहीं, और ये ऑक्सीजन है किससे जुड़ गया, ZN से जुड़ गया। तो हमने क्या कहा था, हमारी बात को आप थोड़ा फिर से गौर फरमाइए, हमने ये कहा था कि जब भी किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन H2O6 है ना, तो जिंक के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। बोलो आई बात समझ में। यहां पर देखिए इसी का उल्टा हो गया, ऑक्सीजन जिंक के संग निकल जा रहा है, ऑक्सीजन जिंक से क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है, और जब जिंक में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। बोलो आई बात समझ में। अगली चीज की बात करें, देखिए यहां पे इसको अभी थोड़ा समझने के लिए टाइम रहेगा, इसको अभी मत करिएगा, इसको मत करिए, इसको नोट ही मत करिए, ठीक है। तो इस तरह जैसे ही कंप्लीट होता है तो हमारे पास जितने भी प्रकार थे, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार थे, सबके सभी हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हम अपने अगले टॉपिक में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण की, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, और इस चैप्टर के एक दो टॉपिक और, मतलब ये हमारा दूसरा लेक्चर था, 3-4 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे, 3-4 बहुत हुआ 5 लेक्चर्स में ये हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आज यहीं पे हम आप लोग से विदाई चाहेंगे, रोइए मत, फिर आएंगे।